नमस्कार, स्वागत है आपका तेज सिविल सर्विसेज में। देखिए, आज हम लोग भारत के भौगोलिक परिचय के बारे में समझेंगे, लेकिन भौगोलिक परिचय को मैप के माध्यम से भी समझेंगे। मैप के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से कहाँ क्या स्थित है और कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है वगैरह वगैरह। लेकिन अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, भारत का भौगोलिक परिचय, आज हम भारत की भौतिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। ग्लोब में कहाँ स्थित है, कितना उसका अक्षांशीय विस्तार है, कितना देशांतरीय विस्तार है, सब समझेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा देख लेते हैं कि भारत के तीन नाम है इसमें, जानते हैं आप। प्राचीन काल में तो आर्यावर्त भी कहा जाता था, लेकिन इस समय तीन नाम है, हिंदुस्तान, इंडिया और भारत। ये किस आधार पर पढ़े हम ये समझेंगे, तो आइए देखते हैं। पहले देखते हैं भारत एशिया में कहाँ स्थित है। तो भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। अभी मैं आपको ग्लोब में भी बताऊंगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, इसका प्राचीन नाम आर्यावर्त था। अब अभी मैंने आपको बताया कि इसका प्राचीन नाम आर्यावर्त था, ठीक है। अब अगला देखते हैं, इस समय इसके तीन नाम प्रचलित है, हिंदुस्तान, इंडिया और भारत, ठीक है। जो पहला हिंदुस्तान, ये देखिए किस लिए पड़ा, ईरानियों ने सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा। देखिए, ईरानियों में सा को हल्का सा वो हा बोल देते हैं, सिंधु को हिंदू उन्होंने बोला, इसलिए हिंदू के पार यानी सिंधु के पार उन्होंने हिंदू नदी के पार यानी हिंदुस्तान कहा गया। सिंधु को उन्होंने हिंदू नदी कहा, हिंदू हिंदुस्तान, आप ध्यान रखेंगे, इसीलिए इसका नाम हिंदुस्तान पड़ा, क्योंकि उन्होंने सिंधु को हिंदू कहा और फिर ईरानियों ने कहा कि हिंदू नदी के पार जो लोग रहते हैं उन्हें हिंदुस्तानी कहा जाता है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। अब अगला देखते हैं, इंडिया, इंडिया इसका नाम कैसे पड़ा। देखिए, अब हम सिंधु नदी सिस्टम को इंडस रिवर सिस्टम भी कहते हैं, आपको पता ही होगा, इंडस रिवर सिस्टम, ठीक है। इंडस रिवर सिस्टम, इंडस में इंड आता है ना, उसी के आधार पर इसका नाम इंडिया पड़ा। ध्यान रखेंगे इस बात को, इंडिया क्यों पड़ा, सिंधु इंडस रिवर सिस्टम के आधार पर हमारे देश का नाम इंडिया पड़ा। लेकिन जब भारत में आते हैं तो भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, भारत इसका नाम प्राचीन काल से ही चला आ रहा। प्राचीन काल में पुराणों एवं महाकाव्यों में, पुराणों में स्पेशल हम विष्णु पुराण की बात करेंगे, विष्णु, आप ध्यान रखेंगे इस बात को, विष्णु पुराण में ये श्लोक भी है। देखिए, ये जो मैं आपको पढ़ाता हूँ इसका अर्थ भी बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे कि इसे भारत क्यों कहा जाता है। देखिए, उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। अब देखिए, समुद्र के उत्तर में, हिमालय के दक्षिण में जो देश स्थित है, जो भूमि स्थित है, जो देश क्षेत्र स्थित है, उसे भारत कहते हैं, तथा वहां की संतानों को, इसका मतलब ये है, तथा वहां की संतानों को भारती कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि इसका नाम भारत क्यों पड़ा। ये श्लोक बहुत ही अच्छा है, अगर आप मेंस में कभी लेख लिखते हैं भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में, तो ये श्लोक से आप सामने वाले जो आपके कॉपी चेक करेंगे उनको इम्प्रेस कर सकते हैं। आइए अब इसकी स्थिति ग्लोब में समझ लेते हैं। देखिए, ये मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है। अब देखिए, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, देखिए दो ग्लोब बनाता हूँ, ग्लोब अर्थात छोटा सा आर्टिफिशियल आकार हमारी पृथ्वी का। देखिए, जो इस तरीके की रेखाएं होंगी उन्हें हम अक्षांशीय रेखा बोलेंगे। ये चीज बहुत कंफ्यूजन करती है नए लोगों को, अक्षांशीय, और ये जो खड़ी रेखाएं होंगी इनको क्या बोलेंगे, देशांतरी, ध्यान रखिएगा, देशांतरी। अच्छा, ये देखिए, केवल उत्तर से दक्षिण चलेंगे, ये ऐसे ऊपर की तरफ जा रही और नीचे की तरफ जा रही, अगर इसे हम 0 डिग्री मान लें तो ये उत्तर और ये दक्षिण, ये केवल पूर्व से पश्चिम, अगर इसे हम 0 डिग्री मान लें तो ये पूर्व की तरफ जा रही, ये पश्चिम की तरफ। ध्यान रखिएगा, शांति रेखा उत्तर से दक्षिण की तरफ होगी और देशांतरी रेखा पूर्व से पश्चिम की तरफ। तो आइए देखते हैं, ये मान लीजिए ये है 0 डिग्री देशांतरी रेखा, ये है 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा।
इसे हम भूमध्य रेखा भी कहेंगे, ध्यान रखिएगा, भूमध्य रेखा। भारत अप्रोक्सीमेटली यहाँ कहीं स्थित है, ये है भारत हमारा। तो भारत की स्थिति क्या हो जाती है, ये 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक स्थित है, 37 डिग्री 6 मिनट। आप ध्यान रखिएगा, अभी मैं इसे मैप के माध्यम से ज्यादा अच्छे से बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे इस चीज को। तो इसकी स्थिति उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर, देखिए ये अक्षांशीय रेखा इसके ऊपर जा रहा है यानी उत्तरी, ये देशांतरी रेखा इसके पूर्व की तरफ जा रहा है यानी पूर्वी। उत्तरी अक्षांशीय और पूर्वी देशांतरी रेखा में भारत की स्थिति है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए अब इसे बहुत ही आसान भाषा में भारत के मैप से समझते हैं, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, आइए देखते हैं। तो ये है भारत का मैप, और मैंने इसमें स्टेट नहीं बनाया, आप स्टेट खुद देख लीजिएगा जाके, क्योंकि अब आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको मैप अपने पास रखना ही होगा, ये आपकी मजबूरी समझिए या कुछ भी। ओके तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हम इसका विस्तार देखेंगे, इसकी उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम लंबाई देखेंगे। तो देखिए शुरू करते हैं, देखिए ये जो रेखा है ये अक्षांशीय रेखा थी, इसको बोलते हैं 8 डिग्री 4 मिनट। ओके, और ये जो जाती है यहां से छू के निकलेगी, इसको बोलेंगे 37 डिग्री 6 मिनट, आप इस बात को ध्यान रखेंगे। अब देखिए ये जो जाती है देशांतरी रेखा है, देशांतरी रेखा का आप ध्यान रखेंगे, ये है 68 डिग्री 7 मिनट 7 मिनट। और ये जो जा रही है ये वाली देशांतरी रेखा, ये है 97 डिग्री और 25 मिनट, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो जब पूछेगा अक्षांशीय विस्तार तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट के बीच, जब पूछेगा देशांतरी विस्तार तो 68 डिग्री 60 मिनट, ये 68 है 68, से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक, 25 मिनट तक का फैलाव है भारत का। अब देखिए लेंथ देख लेते हैं, हम जब बात करेंगे कि उत्तर से दक्षिण की बात करेंगे तो लगभग 3214 किलोमीटर पड़ता है, उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम तो इसकी देखेंगे 2933, इस बात को ध्यान रखिएगा विशेष। वैसे तो अब कुछ लोग कहेंगे ये नहीं पूछा जाता है, लेकिन अब चूंकि आप डीप में अध्ययन कर रहे हैं इसलिए आपको ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, अब थोड़ा कंट्रियों की स्थिति जान लेते हैं, वैसे तो ये चीज़ नहीं बतानी चाहिए आपको, देश पता होने चाहिए कि भारत के आसपास से देश कौन से हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। पाकिस्तान अप्रोक्सीमेटली यहाँ तक आता है, लगभग लगभग। भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है, रेड क्लिफ। तो हम ध्यान रखेंगे इस बात को, विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे कि भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है, तो रेड क्लिफ, रेड क्लिफ ध्यान रखिएगा, रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है, तो रेड क्लिफ। देखिए चूंकि ये हिस्सा पाकिस्तान के पास है, मैं अभी बता देता हूँ, ये हिस्सा पाकिस्तान के पास है, पहले ये सीमा आपकी अफगानिस्तान से लगती थी बिल्कुल जरा सी, 106 किलोमीटर का एरिया होगा लगभग ये। भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को डूरंड रेखा कहा जाता था, डूरंड रेखा, इस बात को ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता था, तो डूरंड रेखा। अब देखते हैं भारत और चाइना, देखिए चाइना का प्रसार पहले आपको ये बता दें, ये काराकोरम दर्रा पड़ता है यहाँ, यहीं से होकर रोड जा रही है, ऐसे ही बता दिया मैंने आपको ताकि आप ध्यान रखें, भारत पाकिस्तान के बीच का कॉरिडोर यहीं से बन रहा। अब आइए देखते हैं चाइना का, चाइना चाइना का अप्रोक्सीमेटली शुरू हो जाता है और यहाँ तक आता है। अब देखिए मैकमोहन रेखा, आपने ये सुना होगा प्रॉपर कि भारत और चीन के बीच की रेखा, लेकिन मैकमोहन रेखा केवल अरुणाचल प्रदेश की सीमा को कहा जाता है, जो अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगती है चाइना की, उसे मैकमोहन रेखा कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो अगर आपसे पूछता भारत और चाइना के बीच की सीमा रेखा, तो भी आप मैकमोहन,
लेकिन जब और डीप में पूछेगा तो आपसे ये पूछ सकता है कि भारत और अरुणाचल प्रदेश की बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है, सॉरी चाइना और अरुणाचल प्रदेश की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है, तो मैकमोहन रेखा कहा जाता है, आप ध्यान रखेंगे इस बात को। और एक सीमा रेखा और है, ये सीमा रेखा बांग्लादेश और त्रिपुरा की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है, शून्य रेखा, जीरो लाइन, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए बांग्लादेश यहां तक आता है, मिजोरम तक, अब ये और ये यहां से यहां तक म्यांमार पड़ता है, आप ध्यान रखेंगे, यहीं पे मीसी, पटकोई, अराकान, योमा इत्यादि पहाड़ियां, जब मैं पर्वत वाले चैप्टर पढ़ाऊंगा तब आपको ये भी चीज पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी चूंकि केवल भारत के विषय में पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया। अब हम देखेंगे कि भारत का विस्तार, देखिए भारत ग्लोब में, ये आपका ग्लोब है, 0 डिग्री के ऊपर स्थित है, 0 डिग्री, 0 डिग्री, इसे भूमध्य रेखा कहेंगे। भारत ऊपर उपोष्ण कटिबंध में स्थित है, आधा हिस्सा भारत का लगभग शीतोष्ण कटिबंध में भी आ जाता है, लेकिन चूंकि इधर इस क्षेत्र में हिमालय है इसलिए रूस से आने वाली बर्फीली हवा हिमालय को पार नहीं कर पाती, और भारत का ये एरिया उपोष्ण कटिबंधीय कहलाता है, ध्यान रखेंगे, भारत उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध में स्थित है, किसमें, उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध, ये सब मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा जब मैं अगला चैप्टर मेरा क्वेश्चन ही बनाऊंगा, क्योंकि यूपीपीसीएस का भी आपका कोर्स चल रहा है तो उसमें जो इससे संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में बताऊंगा, ठीक है, ये हो गया। अब अगला देखते हैं कि, अच्छा ये देखते हैं, ये 8 डिग्री 4 मिनट तक तो ठीक है, लेकिन अगर हम द्वीप के आधार पर बात करें तो देखिए ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप है, और हाँ ठीक है, और यहाँ कहीं आपका स्थित है हल्का सा इंदिरा पॉइंट, ध्यान रखिएगा इंदिरा पॉइंट इंडोनेशिया से लगता है, इसका नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, ध्यान रखेंगे इंदिरा पॉइंट, जब हम इंदिरा पॉइंट से लेते हैं तो भारत का देशांतर अक्षांश विस्तार कितना हो जाता है, 6 डिग्री 4 मिनट, ध्यान रखेंगे, जब हम द्वीपों को लेते हैं तो भारत का विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है और 37 डिग्री 6 मिनट तक जाता है, लेकिन हम केवल भूमि को लेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक जाता है। अब देखते हैं भारत का जो स्थलीय सीमा है, थोड़ा धीरे धीरे बताता हूँ, स्थलीय सीमा भारत की, स्थलीय सीमा जो है 15,200 किलोमीटर, तटीय सीमा 6,100 किलोमीटर, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्थलीय सीमा कितनी 52,200, तटीय सीमा कितनी 6,100, लेकिन अगर हम इसमें द्वीपों की तटीय सीमा भी जोड़ दें तो लगभग बन जाता है 7,716 किलोमीटर, 7,716 किलोमीटर, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, लगभग इतना ही बन जाता है। अब देखिए सीमाओं का भी मैंने बता दिया, अब हम बात करेंगे देखिए अब आपको क्वेश्चन बनता है सबसे बड़ी तटीय रेखा किस राज्य की, तो हम ध्यान रखेंगे पहले नंबर पर आता है आपका गुजरात, दूसरे नंबर पर आता है आपका आंध्र प्रदेश, और तीसरे नंबर पर आता है आपका तमिलनाडु, पहले गुजरात फिर आंध्र प्रदेश फिर तमिलनाडु और फिर आता है महाराष्ट्र, लेकिन आप केवल तीन को याद रखिए, अब इसे आप याद कैसे करेंगे, देखिए गुजरात आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये बन गया गेट, ध्यान रखेंगे गेट से इसको ध्यान रखेंगे, गुजरात आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इस बात को बहुत बहुत ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये हो गया। अब आइए देखते हैं कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती, देखते हैं कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशीय रेखा को हम कर्क रेखा कहते हैं, देखिए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशीय रेखा को कर्क रेखा कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ये सब मैं आपको बताऊंगा जब आपको क्वेश्चन बताऊंगा यूपीपीसीएस क्रैश कोर्स में, इससे जो संबंधित किस प्रकार के बन सकते हैं क्वेश्चन उनके, जब मैं वो पढ़ाऊंगा तब इसके बारे में बताऊंगा, अभी इसको समझते हैं। देखिए 23.5 डिग्री कर्क रेखा को हम क्या कहते हैं, 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम कर्क रेखा कहते हैं। अभी कितने राज्यों से गुजरती, देखिए पहला गुजरात हो गया, दूसरा ये हल्का सा टच करती राजस्थान को, फिर ये गुजरती मध्य प्रदेश से एमपी,
फिर आती है छत्तीसगढ़, CH छत्तीसगढ़, फिर आती है झारखंड, ये आपका स्थित है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, इसे आप जानते हैं, ये है त्रिपुरा और ये है मिजोरम। मिजो ध्यान रखिएगा, फिर से मैं बताता हूँ, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। देखिए टोटल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा हमारी गुजरती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने राज्यों से होकर गुजरती है हमारी कर्क रेखा? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती। अब एक क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा, इनमें से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो आप ध्यान रखिएगा, अप्रोक्सीमेटली उसमें सबसे ज्यादा जो नहीं वाला होता है उसे उड़ीसा देता है, तो उड़ीसा से नहीं गुजरती, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और अगर और डीप में पूछेगा तो इनका क्रम पूछ लीजिएगा, पूछेगा कि इनका क्रम लगाइए पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ भी बन सकता है, आप ध्यान रखिएगा कर्क रेखा से। एक क्वेश्चन और बनता है कर्क रेखा से, कि किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा पर ही स्थित है? तो आप ध्यान रखेंगे, झारखंड की राजधानी रांची, ध्यान रखिएगा, झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा पर ही स्थित है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद और भी क्वेश्चन बनता है, पश्चिम बंगाल का दुर्गापुर भी पास में है, तो इसे मैप में समझ लीजिएगा, भोपाल कहाँ है, शहडोल कहाँ है और जबलपुर कहाँ है, दुर्गापुर के बारे में भी पूछ लेता है इससे संबंधित, तो यह बात हम ध्यान रखेंगे। अब हम देखेंगे, ये हमने समझ लिया, बॉर्डर समझ लिया, अब हम सबसे एक और चीज देखते हैं, जो हमारी समय रेखा है। हमारी समय रेखा कितनी, 82.5 डिग्री, कहाँ से गुजरती है? देखते हैं कितने राज्यों से होकर हमारी समय रेखा गुजरती है, तो देखते हैं, अब लगभग यहां से आती है, ठीक है, देखिए 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री देशांतरी रेखा को हम अपने समय रेखा भी कहते हैं। ये देखिए इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ऐसे ही मैं आपको बता देता हूं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ से भी होकर गुजरती है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उसके बाद आता है आपका उड़ीसा, फिर आता है आंध्र प्रदेश, ठीक है, ध्यान रखिए, टोटल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और हमारा समय रेखा ग्रीनविच रेखा से कितना ज्यादा है? तो 5.5 घंटा। अब ये ज्यादा किस प्रकार से निकाला जाता है, इसे मैं अगले अगले आपको पन्ने पे बताऊंगा, ये थोड़ा मैथमेटिकल वाला है, मैं आपको बताऊंगा तो आप एक बार में याद कर लेंगे इसको, ये हो गया आपका। अब देखिए थोड़ा द्वीपों से समझ लेते हैं, क्योंकि देशांतरी रेखाओं के बारे में पूछता है, उसे हम अगले पन्ने में समझते हैं, द्वीपों के बारे में थोड़ा सा उसे अगले पन्ने में देखते हैं। आइए देखते हैं, ये खाली स्लाइड है, मैं इसमें बनाता हूँ। देखिए ये मान लीजिए हमारा देश है, ओके, और यहाँ स्थित है लक्षद्वीप, ध्यान रखेंगे इस बात को, और ये स्थित है अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। अब यहाँ कई चैनल चलते हैं, एक 8 डिग्री चलता है, 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री, इस बात को हम ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 8 डिग्री को देखते हैं, 8 डिग्री थोड़ा सा, ये तो 8 डिग्री 4 मिनट हो गया आपका, 8 डिग्री थोड़ा सा नीचे से होता, ये है 8 डिग्री, ये आपका एक द्वीपी देश है मालदीव, ध्यान रखिएगा, ये है मिनिकाय, मिनिकाय, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? तो हम ध्यान रखेंगे मिनिकाय को मालदीव से अलग करता है, इस बात को हम ध्यान रखेंगे। लेकिन जब बात करेंगे 9 डिग्री की, तो ये पूरा मिनिकाय है, ध्यान रखेंगे, जब हम बात करेंगे 9 डिग्री की, ये है 9 डिग्री, 9 डिग्री किसको अलग करता है? ये हो गया मिनिकाय और ये हो गया लक्षद्वीप, तो 9 डिग्री चैनल अलग करता है मिनिकाय और लक्षद्वीप को, तो ध्यान रखेंगे
9 डिग्री चैनल मिनिकाय और लक्षद्वीप को अलग करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखिएगा, 9 डिग्री चैनल मिनिकाय और लक्षद्वीप को अलग कर। अब अगला क्वेश्चन है कि 10 डिग्री चैनल किसे अलग करता? तो हम ध्यान रखेंगे कि 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है। अंडमान निकोबार बोला जाता है ना, तो ठीक है, मैं इसे फिर से बताता हूं आपको। देखिए, 8 डिग्री चैनल मिनिकाय और मालदीव को, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकाय को, और 10 डिग्री चैनल आपको अलग करता है लघु अंडमान को निकोबार से। अब कभी कभी क्वेश्चन ये भी बन जाता है, अंडमान निकोबार को कौन सा डिग्री चैनल अलग करता है? तो आप ध्यान रखेंगे 10 डिग्री चैनल, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इसे समझते हैं। अब देखिए, एक और थोड़ा सा समझते हैं कि एक और मैप मैं आपके लिए बनाता हूं ताकि आप थोड़ा समझें। ये तट है चेन्नई तट, हमारी समुद्री सीमा, ये चेन्नई तट है। अब क्वेश्चन बनता है हमारी समुद्री सीमा कहां से नापी जाती है? तो आपको ध्यान रखना है चेन्नई से, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हमारी समुद्री सीमा कहां से नापी जाती है? तो आप ध्यान रखेंगे चेन्नई से। अब नापा कैसे जाता है ये मैं बता रहा हूं, बस आप तीन शब्दों अंकों को याद कर लें, 12, 24, 200, इसका क्रम याद कर लें, बाकी और आसान है। देखिए, जो हमारी क्षेत्रीय सीमा है समुद्र की, वो 12 समुद्री मील है, ध्यान रखेंगे इस बात को। और जो हमारा अविच्छन्न मंडल है, अविच्छन्न मंडल, यहां लिखता हूं मैं अविच्छन्न मंडल, इसे क्षेत्रीय सागर बोलते हैं 12 मील तक, क्षेत्रीय सागर, और 200 मील तक आर्थिक मंडल बोलते हैं। देखिए, ये क्षेत्रीय सीमा हो गई 12 मील तक, उसके बाद जब ये 24 मील आता है तो ये अविच्छन्न मंडल हो गया, यहाँ मतलब हम साफ सफाई का काम कर सकते हैं वगैरह वगैरह, और भी सीमा शुल्क वसूली इस प्रकार से। लेकिन जो 200 समुद्री मील होता है इसे बोलते हैं आर्थिक मंडल, जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, आर्थिक मंडल, यानी यहाँ हम तेल एल की जो तेल निकालते हैं समुद्र से, उस प्रकार का काम होता है तेल, ध्यान रखेंगे इस बात का। इसकी मैंने दूरी रख, 12 को क्षेत्रीय सागर, 24 समुद्री मील तक अविच्छन्न मंडल, और 200 समुद्री मील तक आर्थिक मंडल बोलते हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक समुद्री मील में लगभग 1.8 मील होता, कहीं कहीं आपको 1.5 भी देखने को मिलेगा, तो इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे आप, ध्यान रखिएगा। ये मैंने 10 डिग्री चैनल भी आपको बता दिए। अब थोड़ा सा एक और बता देता हूं, ये है भारत का मैप, ये आपका श्रीलंका है। तो देखिए, जो श्रीलंका के ऊपर स्थित है इस जगह, इसे हम बोलते हैं पाक की खाड़ी, ध्यान रखिएगा इस बात को। ऊपर वाले को पाक की खाड़ी बोलते हैं और नीचे वाले को मन्नार की खाड़ी बोलते हैं, मन्नार की खाड़ी। अब देखिए, इससे क्वेश्चन किस प्रकार का बनता है, एक बार मैं आपको बता देता हूं बहुत अच्छे तरीके से। ऐसे चित्र दे देगा, ये दे देगा, इसे एक्स दे देगा, इसे वाई दे देगा, पूछेगा एक्स के स्थान पे क्या है, वाई के स्थान पे क्या है। तो आप ध्यान रखेंगे ये मन्नार की खाड़ी है, और ये जो ब्रिज देख रहे हैं, ब्रिज टाइप का बना द्वीपों का, इसे हम आदम ब्रिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आदम ब्रिज, ध्यान रखेंगे। क्या बोलते हैं? आदम ब्रिज पर एक द्वीप है पंबन द्वीप, रामेश्वरम इसी पे स्थित है, रामेश्वरम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पूछेगा आपसे रामेश्वरम किस द्वीप पर स्थित है, तो आपको ध्यान रखना है पंबन द्वीप पर, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही बना। और किस ब्रिज पर स्थित है, तो वो आदम ब्रिज पर स्थित है, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां इसमें हो गई। अब मैं थोड़ा आपको एक चीज दो चीजें और बता देता हूँ। देखिए, अंडमान द्वीप कैसा है, तो कैसा द्वीप है ये? मरकत द्वीप। अब पूछेगा कि अंडमान निकोबार कहाँ स्थित है, तो आप क्या बताएंगे? अंडमान निकोबार
आपका बे ऑफ बंगाल में, यानी बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में ध्यान रखेंगे। और पूछेगा लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, तो अरब सागर में। लक्षद्वीप कैसा द्वीप है हमारा, लक्षद्वीप कैसा द्वीप है, तो लक्षद्वीप हमारा प्रवाल द्वीप है। प्रवाल एक प्रकार के समुद्री जीव होते हैं जो सामाजिक प्रवृत्ति के होते हैं, एक साथ रहते हैं। तो जब वो एक साथ रहते हैं फिर उनकी डेथ हो जाती है, और मजबूत बहुत होते हैं चट्टान की तरीके। तो ध्यान रखेंगे ये प्रवाल द्वीप, लक्षद्वीप प्रवाल द्वीप का उदाहरण है। सबसे छोटा एक प्रकार से केंद्र शासित प्रदेश भी हमारा, इस बात को ध्यान रखेंगे। मैंने आपको सीमाएं बताई दी सारी, स्थलीय सीमा। और अब हम जरा देख लेते हैं समय कैसे निकालेंगे। समय, समय को मैंने आपसे कहा था कि थोड़ा मैथमेटिक्स की तरीके है, तो देखते हैं उसको भी कि समय हम किस प्रकार से निकालेंगे। आइए देखते हैं, देखते हैं। देखिए ये है ग्लोब, ध्यान रखेंगे ये है ग्लोब, ये है आपकी 0 डिग्री देशांतरी रेखा, ये है भारत का समय 82.5 डिग्री। ओके, अच्छा आप जानते ही होंगे कि पृथ्वी 24 घंटे में पूरा एक चक्कर जब लगाती है तो 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। 360 डिग्री कितने घंटे में घूमती है, 24 घंटे में। तो 1 डिग्री घूमेगी 24/360 घंटे में, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए 0 से 82 में कितना अंतर आएगा, तो 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री अंतर आएगा। तो अब हमें 82.5 का निकालना, 82.5 डिग्री निकालते हैं 24/360। 82.5 को हम लिख सकते हैं 165/2। ओके, अब हम इसे जब काटेंगे तो आपका आएगा 11/2, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। जब हम इसे काटेंगे तो आएगा 11/2, फिर इसे हम 5/1/2 भी लिख सकते हैं। फिर हम इसे लिखेंगे 5/5 घंटा, निकला है 5.5 घंटा। आप ध्यान रखेंगे कि इसका मैथमेटिकल निकालने का तरीका था, मैंने आपको इसलिए बता दिया था आपको, ताकि आपको अधिक से अधिक पता हो, क्योंकि अगर आपको अधिक से अधिक पता होगा तो वही अच्छा होगा। बाकी ये था समय निकालने का तरीका। अब थोड़ा मैं आपको सीमाओं के भी बारे में बता देता हूँ, सबसे लंबी सीमा किसके साथ लगती है। तो देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है, आप जानते हैं सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, बांग्लादेश लगभग 4,096 किलोमीटर, उसके बाद चीन के साथ 3488, उसके बाद पाक के साथ 3323, उसके बाद नेपाल के साथ 1751। सबसे कम पूछेगा तो आप ध्यान रखिएगा कि सबसे कम किसके साथ, नेपाल के साथ 1751 हो गया। सबसे कम अफगानिस्तान के साथ लगती है, देखिए 106 किलोमीटर लगभग। लेकिन आपको इतना ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल शुरुआत के 4 याद रखना, क्योंकि क्रम लगाने को पूछ देता है कि बढ़ते से छोटे क्रम तक लगाइए जिसकी सीमा सबसे ज्यादा और सबसे कम। अब इसे याद कर, सिर्फ आपको पूरा नहीं याद करिए, 4096 का केवल 40 याद कर लीजिए, 3488 का केवल 34, 3323 का केवल 33, और 1751 का केवल 17। इसी पे आपका काम हो जाएगा। बांग्लादेश के साथ 40, चीन के साथ 34, पाक के साथ 33, नेपाल के साथ 17। देखिए कितना आराम से हो गया, फिर से बांग्लादेश के साथ 40, चीन के साथ 34, पाक के साथ 33, नेपाल के साथ 17। अब इसका क्रम लगाने पूछ लेता, क्वेश्चन इस प्रकार से बना था एमपीपीएससी में इसी बार के पेपर में, कि सबसे लंबी सीमा घटते आधार पर लगाइए। तो सबसे पहले बांग्लादेश आएगा आपका, उसके बाद चीन, उसके बाद पाक, ध्यान रखिएगा पाक यानी पाकिस्तान, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। ओके, तो ये मैंने आपको इम्पोर्टेंट बता दिया, मेन मेन क्वेश्चन किस तरीके के बनेंगे। और क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में जो यूपीपीसीएस वाला कोर्स चल रहा है उसके तहत मैं लाऊंगा, इससे क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं और जो कुछ चीजें छूट गई हैं उन्हें भी मैं ध्यान रखूंगा उसमें लाने की। और बाकी वीडियो कैसा लगा इस बात को जरूर बताएं, और बाकी
चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, उसके बाद बेल आइकन को दबा दें तथा लाइक एवं शेयर भी जरूर करें ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे इस चैनल से जुड़ सकें। बाकी लॉकडाउन का समय है, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।